दिल्ली में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान तारीखों का किया ऐलान। सीईसी सुशील चंद्रा ने चुनाव तारीखों का ऐलान किया। 5 राज्यों में 7 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। 14 जनवरी से नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार। 24 जनवरी तक नाम वापसी। यूपी में पहला फेज 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, 20 फरवरी को तीसरा चरण, 23 फरवरी को चौथा फेज, पांचवा फेज 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च को और सातवां चरण 7 मार्च को होगा। सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। We have also seen and perused that how the elections were conducted in 2017. How they were conducted in 2012. In 2012, this was done, you know, all the 5 states were done in 9 phases. In 2017, this was done in 8 phases. And now we are reducing it by 1 more phase, and all elections of 5 states will be conducted in 7 phases. यूपी में पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान, दूसरे चरण में 55 सीटों पर होगी वोटिंग, तीसरे चरण में 59, चौथे चरण में 60, पांचवें चरण में 60 सीट, छठे फेज में 57 सीटों पर वोटिंग और सातवें और अंतिम चरण में 54 सीट पर वोटिंग। उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव, 14 फरवरी को उत्तराखंड में एक चरण में होगी वोटिंग, 10 मार्च को ही आएंगे नतीजे। पंजाब गोवा में भी 14 फरवरी को मतदान। मणिपुर में 2 चरणों में होगा चुनाव, 27 फरवरी और 3 मार्च को डाले जाएंगे वोट। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कोरोना नियमों के साथ कराए जाएंगे चुनाव। हर बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स जरूरी। कहा चुनाव में ओमिक्रॉन चिंता का विषय, कोरोना पॉजिटिव मरीज भी दे सकेंगे वोट। सुरक्षित चुनाव कराने की पूरी तैयारी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पोलिंग बूथों की बढ़ाई गई संख्या, 16% बढ़ाए गए पोलिंग बूथ। एक बूथ पर हर बूथ पर 1250 लोग ही कर सकेंगे मतदान। एट द पोलिंग स्टेशंस वी हैड इंस्ट्रक्टेड ऑल सीओज एंड ऑल डीओज टू विजिट ऑल मेजर पोलिंग स्टेशंस टू सी एंड टू एश्योर दैट ऑल एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज आर अवेलेबल on all the polling stations and like AMF like drinking water, waiting area, electricity, ramps, toilets has been made available at all polling stations. All polling stations shall be necessarily located at ground floor for the accessibility point of view. They will be equipped with all COVID mitigation facilities like sanitizers, thermal scanners, masks, gloves, so that they are absolutely safe to our voters. And in view of the pandemic situation, the maximum number of electors at a polling station has been reduced from 1500 to 1250. With this particular reduction in the number of voters at a station, we have to increase our polling stations to 30,330 more. And now the total number of polling stations is 2,15,000. 368 24,09,000 मतदाता यूपी में पहली बार करेंगे मतदान। 2,15,368 पोलिंग बूथ, 1260 पिंक पोलिंग बूथ, 18.30 करोड़ से ज्यादा वोटर डालेंगे वोट, 8.55 करोड़ महिला वोटर, 690 विधानसभा में डाले जाएंगे वोट। उम्मीदवारों को बताना होगा अपना आपराधिक इतिहास। टीवी चैनलों और अखबारों पर 3 बार देनी होगी जानकारी। पेड न्यूज पर भी चुनाव आयोग की पैनी नजर। चुनाव में पैसों और शराब के वितरण पर पाबंदी। फ्रेंड्स, अनदर इंपॉर्टेंट इशू इज द कैंडिडेट्स विद द क्रिमिनल केसेस। ईच एंड एवरी वोटर हैज अ राइट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट। अमंग अदर मेजर्स टू एंश्योर एथिकल इलेक्शंस, एम्फेसिस आल्सो गिवन on mandatory publicity of criminal antecedents. Candidates with criminal antecedents are required to publish information in this regard in newspaper and through television channels on 3 occasions during the campaign period. Besides this, it is also mandatory for political parties to upload on their website at the home page detailed information regarding individuals with pending criminal cases who have been selected as candidates, along with the reasons
द पॉलिटिकल पार्टी विल हैव टू गिव द रीजंस एज टू व्हाई दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट हैज बीन सिलेक्टेड एंड नो कैंडिडेट विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट वाज सिलेक्टेड एंड बेनिबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द सेम एंड द डिटेल्स विल बी पब्लिश्ड विद इन 48 आवर्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एंड नॉट प्रायर टू 2 weeks बिफोर द फर्स्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन. रैली रोड शो पदयात्राओं पर 15 जनवरी तक रोक. सुबह 8 से रात 8 बजे तक रैलियों चुनावी सभाओं या यात्राओं पर पाबंदी. नुक्कड़ सभाओं साइकिल बाइक रैली पर भी रोक. डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 5 लोग. वर्चुअल रैली की इजाजत. जीत के बाद जुलूस पर भी रोक. दिव्यांग सीनियर सिटीजन और कोविड मरीजों को सुविधाएं. बुजुर्ग मतदाताओं और विकलांगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा. मतदान का वक्त 1 घंटे अधिक बढ़ाया गया. चुनाव आयोग ने कहा समय पर चुनाव कराना था प्राथमिकता. प्रत्याशी चुनाव के लिए 40 लाख रुपए तक कर सकेंगे खर्च. ऑनलाइन नामांकन भी कर सकेंगे उम्मीदवार. सभी दलों के लिए सुविधा ऐप बनाया गया. 900 ऑब्जर्वर चुनाव पर रखेंगे नजर. संवेदनशील बूथों पर पूरे दिन वीडियोग्राफी होगी. यूपी में 90% लोगों को लग चुकी है पहली डोज. 50% लोगों को लग चुकी है दूसरी डोज. उत्तराखंड में 99% को पहली और 83% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है. तो कोई रास्ता निकलता है. हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है. सो देयरफॉर यकीन होना चाहिए. वी शुड हैव यकीन. वी शुड हैव फेथ. वी शुड हैव एब्सोल्युटली बिलीफ दैट वी कैन पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक ऑल्सो through our safety measures, through our proper following of the COVID appropriate behavior. Only then we can sail through effectively, safely into this election. चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा चुनाव आयोग की गाइडलाइन का करेंगे पालन. कहा चुनाव आयोग सरकार पर रखे नजर करे सख्ती. चुनाव में जीत का किया दावा. 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा. उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही. विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान पर सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया. कहा प्रचंड बहुमत की बनेगी सरकार. विरोधियों का होगा सफाया. 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी. लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव तारीखों की घोषणा को लेकर कहा हम चुनाव के लिए तैयार. जनता के लिए किया दिन रात काम. भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे सीएम धामी. निश्चित रूप से इस बार बीजेपी आगे बढ़ेगी और हमने जो नारा दिया है अब की बार 60 पार. हम अपने कामों के आधार पर यहाँ का इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की यहां पर सरकार बनेगी. लो चुनाव तारीखों के ऐलान पर पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रतिक्रिया. चुनाव आयोग के ऐलान का किया स्वागत. कहा बदलाव के लिए जनता तैयार. लोग इस उम्मीद में थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव की तिथियां घोषित हों ताकि भाजपा को उनके कुशासन के लिए दंड दिया जा सके. उनके लोकतंत्र विरोधी रवैये के लिए दंड. 5 राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ राज्यों में आदर्श आचार संहिता हुई लागू. अमरोहा के मुख्य चौराहों सड़कों पर टांगे होर्डिंग्स बैनर को नगरपालिका की टीम ने उतरवाया. अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में उतारे गए होर्डिंग्स. कन्नौज में भी चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर सैर से हटाए गए राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग और बैनर. पुलिस की मौजूदगी में अधिकारियों ने विशेष अभियान चलाया. आगरा में भी आचार संहिता लागू होते ही नगर निगम का एक्शन. निगम कर्मचारियों ने राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और बैनर हटाने का किया काम. एमजी रोड समेत शहर भर से उतारे गए होर्डिंग्स. इटावा में चुनाव आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन अलर्ट. सभी राजनीतिक दलों के होर्डिंग पोस्टर और दीवार की पेंटिंग को इटावा प्रशासन ने हटवाया. उप जिलाधिकारी सदर और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने चलाया अभियान. उन्नाव में अफसरों ने इलेक्शन कमीशन के आदेशों का किया पालन. आचार संहिता लागू होते ही अफसर सड़क पर निकले. राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग बैनर को उतरवाने का किया काम.
हाथरस में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पालिका की टीम ने सड़कों पर लगे राजनीतिक दलों के नेताओं के होर्डिंग्स बैनर पोस्टर हटवाए। निर्देशन कर रहे मुख्य स्वच्छता प्रेक्षक ने आदेशों का पालन कराया। यूपी में अगर आज चुनाव हो तो कौन जीतेगा? एबीपी सी वोटर सर्वे में था ये पहला सवाल। योगी सरकार का कामकाज कैसा? 42% लोगों ने कहा अच्छा, 21% लोगों ने बताया औसत, 37% ने बताया खराब। अगर आज चुनाव हो तो यूपी में कौन जीतेगा चुनाव? सर्वे में 49% लोगों ने कहा भाजपा जीतेगी 2022 का दंगल, 30% लोगों ने कहा कि सपा की होगी जीत, बसपा कांग्रेस को सिर्फ 7% लोगों ने बताया जीत का दावेदार। अगर आज चुनाव हो तो यूपी में कौन सा मुद्दा होगा सबसे ज्यादा प्रभावी? सबसे ज्यादा किसान आंदोलन को मिले 22% लोगों के मत, ध्रुवीकरण को 17% लोगों ने माना अहम मुद्दा, कोरोना और कानून व्यवस्था को 16% लोगों ने बताया प्रमुख मुद्दा। अगर आज चुनाव हो तो पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक, क्या यूपी चुनाव में बनेगी मुद्दा? 55% लोगों ने कहा हाँ, 35% लोगों ने कहा नहीं। और सबसे लेटेस्ट सर्वे में हमने पूछा कि क्या आपको लगता है कि नेता कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? 64% लोगों ने कहा नेता नहीं कर रहे कोविड प्रोटोकॉल का पालन। अगर सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़े तो भाजपा को फायदा होगा? सर्वे में पूछे गए सवाल के जवाब में 56% जनता ने कहा हाँ, सीएम योगी अयोध्या से लड़े तो फायदा होगा, 31% ने कहा नहीं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 141,986 नए मामले सामने आए, 285 लोगों की मौत, 40,895 कोरोना मरीज एक दिन में हुए ठीक, एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंचा 4,72,169। कोरोना महामारी से देश भर में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4,83,463, अभी तक 3,44,12,740 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ के पार, अब तक 150 करोड़ 61,92,903 लोगों को दी जा चुकी डोज, इनमें से शुक्रवार को लगाई गई 90,59,360 डोज, इसके साथ ही 15,29,948 सैंपल टेस्ट हुए। देश में ओमिक्रॉन के मामले हुए 3,071, अब तक 27 राज्यों में फैल चुका है कोरोना का नया वेरियंट, वहीं ओमिक्रॉन से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या हुई 1,203। उत्तर प्रदेश में हुआ कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में सामने आए 6,411 नए केस, प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या पहुंची 18,551, लखनऊ में 24 घंटे में 876, गाजियाबाद में 683, मेरठ में 636 नए मामले। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 1,000 के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, 1,141 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि, जिले में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,527। कानपुर आईआईटी में शुक्रवार को मिले कोरोना के 18 नए मरीज, आईआईटी में अब तक मिल चुके हैं 59 संक्रमित, जिले में 24 घंटे में मिले 103 नए केस। उत्तराखंड में 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर रोक, उत्तराखंड सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, 16 जनवरी तक स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। गोंडा में बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान में तेजी, अब तक 12,748 बच्चों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। मथुरा में 107 नए लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 255, मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सैंपलिंग करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। पीलीभीत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भाजपा नेता ने बाइक रैली निकालकर रोड शो किया, रोड शो के दौरान बीजेपी के पूरनपुर विधानसभा से दावेदार नेता लेखराज भारती ने कोविड नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर लोगों को जान के साथ खिलवाड़ किया।
कोरोना काल में पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले के लिए आए 4 साधु पाए गए कोरोना संक्रमित। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ गंगा सागर मेले की दी थी इजाजत। दिल्ली में 55 घंटे के वीकेंड कर्फ्यू जारी। शुक्रवार रात 10 बजे से लगा वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही कर सकते हैं यात्रा। हवाई और रेल यात्रा के लिए इजाजत। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 17,335 नए मामले आए सामने। प्रदेश में संक्रमण दर 17.73% पर पहुंची। जानलेवा वायरस से 9 लोगों की मौत। एक्टिव केस हुए 39,873। मुंबई में कोरोना के चलते शहर की 123 इमारतें सील। शुक्रवार को कोरोना के 20,971 नए मामले रिपोर्ट। 6 मरीजों की मौत। वहीं महाराष्ट्र में शुक्रवार को 40,925 नए कोरोना मामले सामने आए। अमेरिका के स्वास्थ्य विशेषज्ञ का बड़ा दावा। अगले महीने तक भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले पीक पर होंगे। भारत में रोजाना कोरोना संक्रमण के 5,00,000 तक मामले आ सकते हैं सामने। अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट का बड़ा दावा। भारत में पीक पर होंगे ओमिक्रॉन केस। गाजियाबाद में बूंदाबांदी के साथ चल रही तेज हवाएं। सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। नोएडा में भी लगातार हो रही है बारिश। ठंड के बीच बारिश ने मुसीबतों को बढ़ाया। कई घंटों से लगातार बारिश से मुसीबत। अल्मोड़ा में बदला मौसम का मिजाज। आसमान में घने बादल छाए। सुबह सुबह पारा 3 डिग्री के पास। पहाड़ी इलाके में बर्फबारी से पड़ रही है कड़ाके की ठंड। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार रात से हो रही तेज बारिश। बारिश की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट। ठंड भी काफी बढ़ गई। सुबह दिल्ली का 17 डिग्री सेल्सियस किया गया तापमान दर्ज। देहरादून समेत प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी। दून में सुबह से हो रही हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जताई थी मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना। ग्रेटर नोएडा में रुक रुक कर हो रही बारिश से बेहाल लोग। सड़कों पर जगह जगह जमा बरसात का पानी। लोगों को हो रही दिक्कत। अमरोहा में सुबह से हो रही है झमाझम बारिश। लगातार बारिश होने से बड़ी ठंड। लोग घरों में दुबकने को मजबूर। बड़कोट में यमुना घाटी की ऊंचाई से लेकर निचले क्षेत्रों में हो रही रिमझिम बारिश। मौसम की करवट से बड़ी ठिठुरन। बारिश के बाद पारा भी लुढ़का। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम हुआ सुहाना। देर रात से हो रही बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। वहीं मसूरी के पास धनोल्टी में हुई हल्की बर्फबारी। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी। बर्फ के आगोश में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बीआरओ बर्फ हटाने में जुटा। उत्तराखंड में इन दिनों कुदरत मेहरबान है। औली में बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस दौरान सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। रोपवे एयरलिफ्ट का भी सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। पौड़ी में भी मौसम ने ली करवट। सुबह सुबह आसमान में छाए काले बादल। मौसम भी हुआ सर्द। 7 डिग्री तक पहुंचा सुबह का तापमान। बूंदाबांदी से आगरा के प्रदूषण में आई कमी। 300 के पार बना AQI लेवल। पहुंचा 100 के करीब। हवा में घुले अति सूक्ष्म और धूल के कणों की मात्रा में कमी आई।